खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। सरकार का कहना है कि इस बिल से उन लोगों को मदद मिलेगी जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश से भारत आ रहे हैं। खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। सरकार का कहना है कि भारत देश में आने वाले उन तीनों देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को, यानी कि जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, और वहां पर माइनॉरिटीज कौन है, वहां पर हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और बुद्ध हैं, और ऐसे में इन सभी लोगों को, इस धर्म के सभी लोगों को भारत में अगर वो आते हैं शरणार्थी बनके, तो उनको भारत सरकार नागरिकता देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आप इन अगर सभी धर्मों की बात कर रहे हैं तो फिर मुस्लिम धर्म का जिक्र क्यों नहीं है। सरकार की दलील है कि मुस्लिम धर्म का जिक्र इस वजह से नहीं है क्योंकि जिन तीनों देशों का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो मुस्लिम बहुल देश हैं और वहां पर मुस्लिम प्रताड़ित हो ही नहीं सकते, और प्रताड़ित अगर कोई हो रहा है तो वो ये माइनॉरिटीज हैं, यानी कि उन देशों में, मुस्लिम बहुल देशों में ये अल्पसंख्यक जो हमारे देश में आकर के नागरिकता चाहते हैं, शरणार्थी बन के आ रहे हैं, और इस वजह से भारत सरकार उनको नागरिकता देने पर विचार कर रही है और इस वजह से बिल लाया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भारत हमेशा से ही एक सेक्युलर देश रहा है, यहाँ पर धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। अगर आपको देना है तो आप सबको दीजिए, आप उसमें मुस्लिमों को अभी जिक्र कीजिए बिल में और उसके बाद में इस बिल को पास करवाइए। सरकार का कहना है कि मुस्लिम बहुल देशों से जब लोग आ रहे हैं तो फिर वहाँ की माइनॉरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो फिर मुस्लिमों का जिक्र हम क्यों करें, और इस चीज़ को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, हंगामा हो रहा है। विपक्ष की एक और दलील है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने आखिर ये कैसे तय कर लिया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ गए हैं हम उनको सिटीजनशिप देंगे, यानी कि उनको नागरिकता देंगे। क्या उसके बाद जो लोग आए हैं वो प्रताड़ित होकर नहीं आए? अगर वो अल्पसंख्यक हैं भी तो फिर उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही? तो इस तरीके से भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का एक और आरोप है कि सरकार NRC लाने की तैयारी कर रही है। बाकायदा एक सूची तैयार कर दी गई है और उस सूची में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए ये बैक डोर से एक तरीके से इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि सिटीजनशिप बिल लाएंगे और पहले इसमें वो खामियां दूर करेंगे और खास तौर पर जो हिंदू हैं या बाकी जो समुदाय के लोग हैं उनको इसमें शामिल करेंगे और जो मुस्लिम बचेंगे उनको NRC के तहत देश से वापस ले जाएंगे। तो एक तरीके से विपक्ष इस चीज़ पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि अगर आप बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों की तो उसमें सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, और भी देश हैं, तो उन देशों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन सरकार लगातार एक ही बात दोहरा रही है कि हम बात कर रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य देशों की और वहाँ के अल्पसंख्यकों की, तो ऐसे में इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि सरकार संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जा रही है, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के विरुद्ध जा रही है सरकार, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार देने की बात कही गई है। विपक्ष लगातार इसी आधार पर सरकार को घेरता रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि कहीं से संविधान की कोई अनदेखी नहीं हो रही, संविधान के खिलाफ नहीं जा रहे, और इसी वजह से विपक्ष और सरकार के बीच में तकरार जरूर हो रही है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तैयार है इस बिल को पास करवाने के लिए और इसको कानून की शक्ल देने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।